नमस्कार दोस्तों, राजेश आयुर्वेदिक टिप्स चैनल पर आपका स्वागत है। प्रकृति के खजाने से आपके लिए बेहद शक्तिशाली और दिव्य औषधि लेकर आए हैं। ये जो आप फल देख रहे हैं, ये गिलोय के फल हैं। गिलोय जो है ना, अलग अलग पेड़ों पर चढ़ती है और जिन पेड़ों पर ये चढ़ती है उन्हीं पेड़ों के गुण अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, इसलिए अलग अलग पेड़ों के गुण धर्म अलग अलग होते हैं। नीम पर चढ़ी हुई गिलोय सबसे अच्छी मानी जाती है। आयुर्वेद में जो नीम की गिलोय होती है उसको सबसे अच्छा कहा गया है, क्योंकि नीम की जो गिलोय होती है वो सबसे ज़्यादा रोगों में असरदार तरीके से काम करती है। इसलिए जब भी आप इस पौधे का आप इस्तेमाल करें तो नीम की गिलोय का ही आप इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक फायदे मिलेंगे। प्राचीन समय से लेकर आज तक गिलोय एक शक्तिशाली जड़ी बूटी औषधि के रूप में जगत विख्यात हो चुकी है। गिलोय जो ना कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इसका नाम हुआ था और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे थे। इस पौधे की पत्ती और तने का जो है औषधि प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इस पौधे को में एक से बढ़कर एक इसमें औषधि गुण विद्यमान है, इसलिए आप इस पौधे को अपने घर में गमले में भी लगा सकते हैं और इसके पत्तों का प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज का वीडियो इसके गिलोय के पत्तों को लेकर है और गिलोय के पत्ते खाने से किस कौन कौन से रोग दोष दूर किए जा सकते हैं वो आप इस वीडियो में जानेंगे, और वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। गिलोय जो होती है वो शरीर के तीनों दोषों को संतुलित करती है, मतलब वात पित्त कफ तीनों को, शरीर का कायाकल्प करने की इसमें क्षमता है। गिलोय के सेवन से शरीर की हर बीमारी ठीक की जा सकती है, इतनी दिव्य और अद्भुत गुणों से भरी हुई है। आयुर्वेद में इसे रसायन माना गया है जो शरीर के लिए बेहद अच्छे होते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यह चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे नए नए वीडियो नई जानकारी के साथ आपको तुरंत मिले। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो दूसरों को भी शेयर करें, ताकि इसके लोगों को दूसरों को भी फायदा मिल सके। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। गिलोय के पत्ते से सूजन दूर होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटीवायरल होते हैं, एंटीपायरेटिक होते हैं, बुखार चाहे जितना ही भी पुराना हो ठीक करता है। हेप्टा प्रोटेक्टिव गुण भी होते हैं इसमें, एंटी एलर्जिक होती है, एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसरस और एंटी डायबिटिक होती है। इस प्रकार से गिलोय बहुत ही अद्भुत है और तमाम रोगों में को दूर करती है। इसका आयुर्वेदिक नाम अमृता है और इसे अमृतवल्ली भी कहा जाता है। इसके पत्तों का आकार पान के पत्तों से मिलता जुलता है, ये देखिए। यह एक बेल के रूप में फैलता है और साल भर हरा भरा रहता है, और वर्षा ऋतु के समय में इसमें नए नए पत्ते आते हैं और नए नए पौधे भी उगते हैं। इस पर मटर के दाने के समान फल लगते हैं और ये फल कच्ची अवस्था में हरे और पकने के बाद लाल रंग के हो जाते हैं। इस पेड़ से संबंधित ये जानकारी आप दूसरों को भी शेयर करें। इस पेड़ से में खासियत होती कि जिस पेड़ पर यह चढ़ती है उसके गुणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, इसलिए आयुर्वेद में नीम की चढ़ी हुई गिलोय का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। गिलोय का आप किस तरह से सेवन कर सकते हैं ये जान लीजिए। गिलोय का आप अर्क बना सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं, या इसके पत्तों का रस निकाल सकते हैं, या चटनी भी बनाकर इसका खा सकते हैं आप। गिलोय की जो इसके बुखार में बहुत अच्छी काम करती है। गिलोय की पत्ती का काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक लगातार पीने से बुखार उतर जाता है, चाहे जितना पुराना बुखार हो और जिस कारण से आ रहा हो। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप गिलोय के 3-4 पत्तियों को रोज प्रातःकाल तोड़कर खाइए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और साथ में वायरल संक्रमण और मौसमी बीमारियों का खतरा दूर करती है। ये पुराने से पुराने जख्म घाव को जो ना भर रहे हों, जो डायबिटीज के घाव हों उनको भी ये भरती है। 3-4 पत्तों को तोड़कर सुबह सुबह खाने से घाव जख्म पूरी तरह से सूख जाते हैं और सही हो जाते हैं। सभी प्रकार की डैमेज सेल्स की रिपेयरिंग साथ में पूरी बॉडी को मरम्मत, एक एक सेल्स को पुनर्जीवित करने का काम गिलोय करती है। कुछ दिनों के लगातार प्रयोग करने से शरीर में ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। इसका प्रयोग सीमित मात्रा में 3-4 पत्तों का आप कर सकते हैं। अनजाने रोग जिन्हें आप जानते नहीं हैं उनको भी ये ठीक करती है। आप 3-4 पत्ते आप खाइए, जिस बीमारी को आप जानते नहीं आपकी बॉडी में है और आप जान ही नहीं पा रहे हैं कि किस कारण से है, उस कारण को ये समाप्त करके उस बीमारी को भी समाप्त कर देगी। टीबी की बीमारी हो या कैंसर की बीमारी, सभी में ये इसके पत्ते बहुत ही असरदार तरीके से काम करते हैं। ये इन बीमारियों में भी अच्छा लाभ करती है। ये पूरे शरीर में जो अलग अलग कारखाने हैं सभी को एक साथ रिपेयर करती है और पूरी बॉडी को जो है ना इम्प्रूव करती है, और पूरी बॉडी को एक साथ ये मरम्मत करके एकदम फिट और तंदुरुस्त बनाती है।
बुखार चाहे जिस प्रकार का हो या जिस कारण से आ रहा हो, गिलोय का पत्ता खाने से डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर सभी ठीक होते हैं। यदि डेंगू की वजह से रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो रही हो तो इसके पत्ते खाने से प्लेटलेट्स की कमी दूर होती और खून भी भरपूर मात्रा में बनता है। इस प्रकार से ये डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी में भी काम करता है। गिलोय का पत्ता कुछ दिनों तक लगातार खाने से पाचन शक्ति अच्छी होती है और खाया पिया ठीक से हजम होने लगता है। आयरन का समृद्ध स्रोत होने के कारण ये खून की कमी को दूर करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और साथ में खून के साथ साथ ये तमाम तरह के खतरनाक रोगों को भी दूर करता है और रक्त को साफ करता है। गिलोय के पत्ते खाने से स्किन की तमाम परेशानियाँ, चर्म रोग, खाज खुजली, घाव, दाग धब्बे दूर होते हैं और कुछ दिनों तक आप लगातार प्रयोग करने से तमाम ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाती और चेहरे का कालापन दूर होकर चेहरे में निखार आने लगता है। इस प्रकार से इसके ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक थैंक यू, जय हिंद।